अब तक सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकारियों की कमी को लेकर भी मोदी सरकार कटघरे में आ गई है, जिसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई, साथ ही अधिकारियों की कमी पर जवाब तलब किया। इतना ही नहीं, RTI कानून में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुए RTI कानून के तहत देश में हर नागरिक को सूचना का अधिकार है। इसके जरिए सरकारी कामकाज की जानकारी दी जा सकती है। इस कानून के तहत कई बार मोदी सरकार की पोल भी खुल चुकी है। शायद यही वजह है कि अब सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कानून में बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत सूचना आयोग के अधिकारी केंद्र सरकार के निर्देश पर तैनात होंगे। सरकार के इस कदम का जहां विपक्षियों ने विरोध किया है, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। RTI एक्टिविस्ट और याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर RTI को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार न सिर्फ कानून में बदलाव कर रही है, बल्कि अधिकारों की नियुक्ति रोककर इस कानून में बाधा डाल रही है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में 11 स्वीकृत पदों में से केवल 3 सूचना आयुक्त हैं, जिसकी वजह से 26,000 मामले लंबित हो गए हैं और जिससे सुनवाई में देरी हो रही है। वहीं इस याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिनमें कोर्ट ने राज्य और केंद्र से एक हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और RTI में बदलाव का क्या मतलब है। केंद्र और राज्य सरकार के जवाब के बाद मामले में सुनवाई की अगली तारीख तय होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।